वर्षों से कंडोम का प्रचार हो रहा है, लेकिन अनपढ़ तो छोड़िए, कई पढ़े लिखे लोग भी इसका इस्तेमाल करने से हिचकते हैं। दुकान जाकर खरीदना तो दूर, इसका नाम लेने से ही घबराते हैं। नतीजा ये है कि भारत में प्रतिवर्ष न चाहते हुए भी कई महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती है। 1.5 करोड़ से ज्यादा सही गलत तरीके से एबॉर्शन होते हैं, जिसमें कई महिलाओं की जान चली जाती है या वे बीमारियों से ग्रस्त हो जाती है। पुरुष नहीं तो महिलाएं ही कंडोम इस्तेमाल और प्रोटेक्शन पर जोर दें तो कई समस्याएं हल हो सकती है। इस मैसेज के साथ फिल्म जनहित में जारी को पेश किया गया है। राज शांडिल्य, जो कई कॉमेडी शो और फिल्म लिख चुके हैं, उन्होंने जनहित में जारी को लिखा है। मैसेज को कॉमेडी में लपेट कर पेश किया है ताकि दर्शकों का मनोरंजन हो सके। कहानी तो अलग किस्म की है ही, उसे अलग रूप देने के लिए उन्होंने फिल्म की नायिका को कंडोम बेचने वाली बना दिया है। जहां पर पुरुष ही कंडोम बेचने से घबराते हैं, वहां पर महिला द्वारा ये काम करने की तो कोई सोच भी नहीं सकता। फिल्म की नायिका मनु की शादी उसके घर वाले करना चाहते हैं, उनसे बचने के लिए वह कंडोम बेचने वाली नौकरी कर लेती है। इसके बाद उसे प्यार होता है, उसकी शादी होती है, लेकिन ससुराल वालों से भी यह बात छिपी रहती है। आखिरकार भेद खुलता है और तलाक तक की नौबत आ जाती है। मनु न केवल अपने घर वालों का विरोध झेलते हुए यह काम करती है, बल्कि महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए भी इस मुश्किल काम को हाथ में लेती है। फिल्म के सारे किरदार निम्न मध्यम वर्गीय हैं, जो कस्बे में रहते हैं। मान मर्यादा, घर की इज्जत, महिलाओं द्वारा नौकरी के खिलाफ रहना जैसी बातों में पुरानी पीढ़ी उलझी रहती है। वहीं युवा मनु, उसके दोस्त और पति इन बातों से बेफिक्र होकर साथ में बियर पीते हैं और कंडोम बेचने के काम को बुरा नहीं मानते। हालांकि इस किस्म के किरदार कस्बों में मिलना मुश्किल है, लेकिन इनके जरिए युवा पीढ़ी की सोच को दर्शाया गया है। दूसरी ओर कुछ निठल्ले किस्म के लोग भी हैं, जो बात का बतंगड़ बनाने में नहीं चुकते और मनु के घर पर कंडोम निवास लिख देते हैं। स्क्रिप्ट में कई किरदार हैं जो निम्न मध्यम वर्गीय की सोच को पेश करते हैं और इस सोच के जरिए कॉमेडी को लेखक राज शांडिल्य ने पैदा किया है। फिल्म के शुरुआती हिस्से में कई हास्य दृश्य हैं। मनु जब कंडोम बेचने निकलती है तो कैसे उसका मजाक बनाया जाता है और लोग क्या बातें करते हैं, इसको लेकर कुछ अच्छे सीन हैं। बीच में आकर फिल्म थोड़ी ठहर जाती है, लेकिन जैसे ही पारिवारिक ड्रामा तेजी से घटता है, फिल्म पटरी पर लौट आती है। मनु के ससुर उससे बहुत नाराज रहते हैं, वे चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं, इसमें मनु का योगदान भी रहता है। इस योगदान को लेकर कुछ दृश्य बनाए जाते तो निश्चित ही फिल्म का स्तर ऊंचा उठता। दिखाया जा सकता था कि मनु द्वारा लोगों में जागरूकता फैलाए जाने के कारण ही उसके ससुर को जीत मिली है और उसके ससुर का हृदय परिवर्तन होता है। इसे कुछ संवादों के जरिए ही बताकर लेखक और निर्देशक एक खास मौका चूक गए। बहरहाल लेखक राज शांडिल्य और निर्देशक जय बसंतु सिंह की इस बात के लिए तारीफ की जा सकती है कि ऐसा विषय जिस पर फिल्म थोड़ा इधर उधर होती तो फुवड़ बन सकती थी या डॉक्यूमेंट्री बन सकती थी, उससे उन्होंने बचाया। फिल्म को फुवड़ता से दूर रखते हुए मैसेज को इस तरह से नहीं दिया कि थोपा हुआ लगे। फिल्म ज्यादातर समय दर्शकों को हंसाते रहती है। जनहित में जारी में निर्देशक पर लेखक भारी है। राज ने संवाद, कैरेक्टर्स और सीन बढ़िया लिखे हैं, इससे निर्देशक जय बसंत सिंह का काम आसान हो गया। फिल्म की लंबाई थोड़ी ज्यादा है, इसे कम किया जा सकता था। जनहित में जारी को चंदेरी और ग्वालियर की रियल लोकेशन पर फिल्माया गया है। कैमरामैन चिरंतन दास ने बाजार, गलियां और नदी के किनारे कैमरा घुमाकर छोटे शहर की खूबसूरती को एक कैरेक्टर की तरह पेश किया है। नुसरत भरूचा को ऐसा रोल मिला है जो कई हीरोइनों का ड्रीम रोल होता है। उन्होंने पूरी फिल्म का भार कंधे पर पूरी जिम्मेदारी के साथ उठाया है। उनकी एक्टिंग में आत्मविश्वास देखने लायक है, इससे उनके कैरेक्टर पर दर्शक तुरंत भरोसा कर लेते हैं। अन्य स्टार कास्ट में कुछ जाने पहचाने चेहरे और कुछ नए चेहरे हैं, लेकिन सभी का काम जोरदार है। विजय राज, अनुज सिंह ढाका, ब्रजेंद्र काला, पारितोष त्रिपाठी ने अपना 100% दिया है। लंबे समय बाद टीनू आनंद भी नजर आए हैं। सेक्स के दौरान प्रोटेक्शन पर बात करना कोई गुनाह नहीं है, यह बात कॉमेडी के साथ जनहित में जारी है। इस फिल्म को मैं 5 में से 3 स्टार देता हूँ। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें,
मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।